हेलो जी हेलो, गादी खान गुरु जी बोल रहे हैं मुंबई से। सर। गुरु जी सर, गुड इवनिंग। मैं बीबू बात कर रहा था भुवनेश्वर उड़ीसा से। नमस्कार। नमस्कार सर, आपने एक बार मैसेज किया था मैसेंजर में कि भुवनेश्वर में ये एक्टिंग का कोर्सेस चल रही है जी, तो उसी सिलसिले में जानने के लिए मैंने कॉल किया था जी। तो आपका उम्र कितना है सर? हाँ सॉरी, आप क्या बोल रहे थे? पहले आप फिनिश करिए फिर मैं शुरू करता हूँ। एक्चुअली सर मेरा 35 ईयर्स का एज है जी। मैं तो बीपीओ सेक्टर का बंदा हूँ, मैं मतलब कॉल सेंटर में काम करता हूँ। अच्छा, जॉब तो करते साइड बाई तो साइड बाई साइड मेरा कुछ टैलेंट्स है, मैं गाना भी गाता हूँ, वेरी गुड, हल्का बहुत मजाक भी करता हूँ, कॉमेडी। तो चाहता था कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर अगर मुझे कुछ मिले तो मैं कुछ करूँ, तो कोई स्कोप ना होने के कारण मैं प्रोसीड नहीं कर पा रहा। और मुंबई भी आना चाहता हूँ लेकिन अभी जो उम्र है और शादीशुदा हूँ, बच्चों को बीबी को छोड़ के जा नहीं सकता, तो ये भुवनेश्वर में कहाँ पे क्या हो रहा है कोई जानना। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले आपका दो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं ना। एक एक आपने बोला कुछ अपॉर्चुनिटी मिले तो ऐसा कुछ है ना? जी हाँ, अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं तो ना ही कोई ऐसा किलो ही सब हम खरीद सकते। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है नेटवर्किंग के जरिए, है ना, पहचान पहचान बनाने के जरिए। दूसरा आपने बोला कि बीवी बच्चा जरूर, मैं भी बीवी बच्चा हूँ, मेरा भी है जिम्मेदारी तो है ही, फैमिली तो संभालना पड़ेगा हमें ना। और उम्र के साथ एक्टिंग के कला का कोई संबंध नहीं है, ठीक है, सिर्फ सोच होनी चाहिए। सर अमिताभ बच्चन तो अभी मेरे ख्याल से 75-70 साल का हो गए है ना, इसीलिए आप तो 35, और सलमान खान 50+ है, 52-53 हो गया, अभी भी वो काम कर रहा है। इसीलिए अब ये कभी मत सोचिए कि मैं 35 का हूँ कि मैं 36 का हूँ, वही वही चीज आपको मैं आपका सोच थिंकिंग में सुधार लाना चाहता हूँ। वो दिग्गज सर एक दिन में नहीं हुए, वो 25-30 साल से काम कर रहा है ना सर, एक दिन में तो नहीं हुए दिग्गज। तो यहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल को भी सुधार लाना पड़ेगा, आपको ये सोचना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल, मैं कर सकता हूँ, है ना। अभी आप जैसे आप सिंगिंग करते हो, मेरे मेरी बात ले लो, सिंगिंग का तो मुझे एबीसीडी भी नहीं आता, है ना, आपने आपने मेहनत किया इसलिए आपको आता है ना। तो यो अभी वो जस्ट जब करते रहोगे वो चीज आपको पैसे भी कमा के देगा, नाम भी देगा, सम्मान भी देगा, है ना। तो ये इतना ही बात है, इसलिए आप सबसे पहले ये सोचिए कि भाई सिंगर बनना एक्टर बनना पॉसिबल है, अगर 10 जन बनता है एक्टर मैं क्यों नहीं बनूंगा, है ना। उसके बाद रहा कि भाई भुवनेश्वर में हो या बम्बई आना चाहता था, ये वक्त बताएगा कि अगर भुवनेश्वर में काम मिलता है तो हम भुवनेश्वर में रह के भी कर सकते हैं, वहाँ भी तो सुपर स्टार होते होंगे, है ना। आजकल कितने सारे उड़िया में कई सारे टीवी चैनल भी आजकल आ गए, है ना, कितना सीरियल वीरियल आता है, ऐसा कितना चैनल है उड़िया का, उड़िया भाषा में। हाँ, यहाँ पे जी सार्थक भी ओडिया और बहुत सारे एंटरटेनमेंट चैनल, मैंने कई बार इनके ऑफिस में जाके रेज्यूम भी दिया है पर कोई बुलाता नहीं। ये भी गलत किया आपने, है ना। अब कोई समझो कहीं शादी हो रहा है ना, मैं ऐसा कुछ बात है क्या सर कि मोटा लोग को नहीं बुलाते? मैं थोड़ा सा मोटा हूँ, मतलब थोड़ा सा पेट निकला हुआ है। नहीं, ये भी गलत फहमी है। आप हजारों ऐसे एक्टर है जो मोटा होके काम कर रहा है, आपको कॉमेडी रोल मिलेगा, पुलिस का रोल मिलेगा, भाई का रोल मिलेगा, चाचा का रोल मिलेगा, विलेन का रोल मिलेगा, कोई भी मिल सकता है। हाँ, इंडिया में क्या हिंदी इंडस्ट्री में या एक दो इंडस्ट्री में ऐसा है, मोटा अगर होता है तो हीरो नहीं बन सकता, है ना। अब साउथ फिल्म में देखो मोटे मोटे हीरो बनते हैं ना, तो इसीलिए वो जी जी टीवी के ऑफिस में जाना ये गलत प्लान है ना। अच्छा, नहीं मैंने बहुत बार कोशिश किया है पर मेरे फैमिली और दोस्तों ने मेरा कॉन्फिडेंस लो कर दिया, मत जा कहाँ पे, कुछ नहीं होगा, लौट के आएगा तो मैं डर के चुप बैठ गई। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, मैं एक काउंसलर हूँ, बाद में मैं टीचर हूँ। देखो हमारे फैमिली की जो ऐसा बोलते हैं, ये हमारा इंडिया का सोशल प्रॉब्लम, सामाजिक समस्या, वो इसलिए है वो लोग आपका भला चाहते हैं, है ना। कि भाई अगर आप बोलोगे ना भाभी जी को या मम्मी को डैडी को बोलोगे मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा या मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, वो लोग बोलेंगे हाँ बन सकता है कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे ना मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, फिर वो लोग वही बोलते हैं अरे यार पागल, बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं होता, हम कहाँ बन पाएंगे, हीरो का बेटा हीरो बनते हैं ना, ऐसा बोलते वो लोग, है ना। वो इसलिए सर आप जब नज़र उठा के 10 घर में देखोगे, 10 घर में से हर घर में टीचर मिल सकता है, इंजीनियर मिल सकता है, लॉयर मिल सकता है, बिजनेसमैन मिल सकता है, मिलेगा, लेकिन एक्टर सिंगर मिलता ही नहीं, है ना। तो लोग गार्डियन को घर वालों को यकीन नहीं होता कि हमारा ये बनेगा कि नहीं बनेगा।
इत्तेफाक से एक दो जॉब बन जाता है एक्टर, वो लोग वो एरिया छोड़ के शहर में रहने लगता है ना, तो इसीलिए यह अनकॉमन है, हजार में से एक बनता है, समझे? तो यहाँ पे सिर्फ आपको बस मेहनत करना पड़ेगा, आत्मविश्वास रखना पड़ेगा, तो आप भी एक दिन बन सकते हो, समझे सर? दूसरा बात है, ये लोगों को एक गलत आदत होती है, कोई भी जब आगे बढ़ना चाहेगा ना, उसको पीछे से खींचेगा, ये मज़ा नहीं कर पाएगा, नहीं होता, क्योंकि वो खुद तो नहीं बन सकते, और कुछ लोग तो जलते हैं ना आपसे, जलते हैं आपकी तरक्की से, वो जलते हैं। आपने मन की बात बोलते तो ये नहीं बोलेगा कि ये साला मेरे को नफरत हो रहा तेरे से, तू इस एक्टर बन जाएगा, मैं बनने नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलेगा, घुमा के बोलेगा, अरे मज़ा पागल है, कुछ नहीं होता, पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई नहीं बन सकता, ऐसा आपको पीछे तरफ खींचेगा। तो ये नहीं कि ऐसा छोटे छोटे बातों को ध्यान में रखो, और एक बात ध्यान में रखो, आगे बढ़ना है तो अंधा बहरा हो जाओ, समझे? आप अगर आगे बढ़ोगे बोलोगे मज्जा कहाँ जा रहा, तो आपको बहरा होना, कान बंद करना होगा, मैं सुन ही नहीं रहा, मुझे मैं सिर्फ अपना सुन रहा हूँ, खुद का सुन रहा हूँ, है ना? जी हाँ, नहीं बाकी सब छोड़िए, मेरा कॉन्फिडेंस है, बस मौका मिले मैं कूदना चाहता हूँ। तो भुवनेश्वर में यहाँ पे मुझे कहाँ पे मौका मिल सकता है? भुवनेश्वर में कुछ नहीं मौका मिल सकता है, ऐसे ऐसे सोच रखने से मौका नहीं मिलता, मौका क्रिएट करना पड़ेगा, मौका कोई क्यों किसी दुकान में थोड़ी मौका मिलता है, 1 किलो मौका मैं खरीद लूँ, 10 किलो खरीद लूँ, नहीं ना सर, है ना? ऐसा नहीं होता है, आपको बस सबसे पहले आपने आपसे पूछी कि मुझे सब एक्टिंग वैक्टिंग आता है तो अच्छी बात, आप 10 जगह जाओ, है ना, घूमो फिर लोगों से मिलो, और अगर आपको लगता है मेरे में भी कुछ कमी हो सकता है, एक्टिंग मुझे कम आता है, तो आप उस कमी को दूर करो, कोई बुरी बात नहीं है, कमी इंसान में होता है, किसी भी गुरु से सीखो, हमसे भी सीख सकते हो, कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है सर? जी, ये कोई ऐसा दुकान नहीं है कि आटा ले लिया, शक्कर ले लिया, चावल ले लिया, कि एक्टिंग भी 2 किलो ले लो, करियर बना लो 5 किलो, है ना, मौका ले लो 10 किलो, ये ऐसा नहीं है, आपको सब्र रखना पड़ेगा, समझे? पेशेंट, धैर्य धैर्य, आप 50 जगह जाएंगे, सब जगह में रिजेक्ट होंगे, फिर भी आपको सब्र नहीं खोना है, समझ में सर? अच्छा, अभी आते हैं हम, वो जो आपने भुवनेश्वर में कहा है ये पूछा, तो आपने वो मैसेज में पढ़ा होगा कि 100 रुपीज वाला एक्टिंग पढ़ा ना, क्या पढ़ा आपने? हाँ, 100 रुपीज एक्टिंग, हाँ, मैं सारा एक्टिंग का, डांसिंग का सब कोर्स दिया जाएगा। हाँ जी, देखो अभी हमारा मेन बिजनेस मुंबई में है, ठीक है सर? जी हाँ। अब मुंबई में कोई कैसे आएगा सर, एक जन के लिए 100 रुपया कमाने के लिए नहीं आ सकता ना, तो आपको थोड़ा सा कंडीशन मैं दे रहा हूँ, छोटा सा आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा सर, कम से कम 10 जन वाला, है? तो उसके लिए आपने जो मैसेज दिया भेजा था, अगर इस नंबर में अगर व्हाट्सअप है, मैं दोबारा भेज दूंगा, तो आपको 10 जन से बात करना है, दोस्तों से बात करना है, व्हाट्सएप में शेयर करो, फेसबुक में वायरल करो, जो भी के वैसे ऐसा सर आएंगे मुंबई से, ये एक्टिंग के थ्योरी ग्रामर प्रैक्टिकल सिखाएंगे, ओनली पर क्लास 100 रुपीज, ठीक है सर? पर क्लास 100 रुपीज में हम सिखा रहे हैं। आप बोलोगे भाई क्यों सिखा रहे हैं इतना कम पैसे में, हमारा ये सेम कोर्स मुंबई में होता है 4 महीना का 80,000 रुपया, ठीक है, पर मंथ 20,000 करके 4 मंथ का 80,000 होता है, इसमें हम और रहने के लिए फ्लैट देते हैं, जिम देते हैं, सिखाते हैं, फिर उनको लेते हैं, एक दो प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे एल्बम हुआ, शॉर्ट फिल्म हुआ, उसके बाद उनको स्टूडेंट, हाँ, आपने बोला था पहले टॉक में, एक्चुअली मेरे पास इतने पैसे नहीं है इसलिए मैं गया नहीं, सुनिए चला गया, पैसा नहीं है इसीलिए हमने ये कॉन्सेप्ट बनाया कि सबके लिए पॉसिबल हो, उसके बाद एक दो प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमारे साथ डायरेक्ट एक दो शूटिंग करने के बाद उस स्टूडेंट को हम 10 जगह भेजते हैं इंडस्ट्री में ऑडिशन देने के लिए, फिर वो उनकी किस्मत उनकी मेहनत, हम ये नहीं बोलते कि हमारे यहाँ आएगा तो एकदम 1 सेकंड में हीरो बन जाएगा, है ना? तो अभी कुछ लोग होते हैं कि भाई जैसा आपने बोला इतना पैसा नहीं है, ये एक रीजन है कि भाई इतना पैसा सबके पास नहीं है, हमारा भी मजबूरी होती है, बम्बई में बुलाएंगे तो फ्लैट देना पड़ेगा तो पैसा तो लगेगा ना, है ना? दूसरा रीजन है, मुझे शूटिंग के लिए कभी भी कॉल आता है तो मैं जाना पड़ता है, मुझे अब किसी से 80,000 रुपये लिया तो उसको रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, क्लास लेना पड़ेगा, है ना सर? तो यहाँ पे टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा, इसलिए मैंने उसको बंद किया मैंने। तीसरा और एक बड़ा कारण है, जैसे किसी ने 80,000 रुपया दिया, 4 महीने बाद बोला अरे इतना पैसा लिया हमको हीरो नहीं बनाया, अरे भाई हीरो बनेगा मेहनत से, एक्टर बनेगा मेहनत से, 80,000 रुपया देके थोड़ी कोई एक्टर बनेगा हीरो बनेगा, है ना? मैं आपको लेकर थोड़ी रोज रोज फिल्म बना सकता हूँ, है ना? तो यह पे भी किया, लोगों को लगता है बस पैसा भर दिया, सीख लिया, अभी मैं हीरो बन गया, है ना? आप 10 जगह जाएंगे तब ना आप एक्टर बनोगे, काम मिलेगा, है ना? तो ऐसा कुछ कारण की वजह से मैंने वो बंद किया, लेकिन टीचिंग ट्रेनिंग ये मेरा पहला प्यार है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सिखाता हूँ, फर्स्ट सालों से सिखा रहा हूँ, तो मैंने ऐसा सोचा कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि सबके लिए पॉसिबल हो, पर हमारे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम ना लगे, इतना पैसा ले लिया, लूट लिया, ऐसा वैसा, है ना? तो फिर हमने सोचा कि भाई अभी आओ एक्टिंग सीखो, 100 रुपया दो, कल दिल करे तो आना, नहीं तो नहीं आना, है ना? तो फिर कल आओ तो कल भी मैं 100 रुपया ही मांगूंगा पर क्लास, तो इसीलिए ग्रुप होना जरूरी है,
आप अगर एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो तो हम भुवनेश्वर में आएंगे, हैं, तो ट्रेन जा रही है। तो अभी जैसा पुणे में मेरा ग्रुप तैयार हो गया, बड़ौदा गुजरात में एक ग्रुप तैयार हो गया, अभी मैं शूटिंग में फंसा हूँ। हाँ, पानीपत पिक्चर बन रहा है ना, उसमें एक डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं, साउंड डिपार्टमेंट, हाँ, पानीपत बन रहा है। हाँ तो उसमें एक डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। और क्या, काम करने से तो आप पहचान बनते, कल को आप लोगों को भेजना भी है ना, पहचान नहीं बनेगा तो मैं अपने स्टूडेंट को कैसे प्रमोट करूंगा। तो इंडस्ट्री के साथ लिंक बनाए रखना पड़ता है। तो अभी अप्रैल फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे एक दो बैचेस बड़ौदा गुजरात में और महाराष्ट्र में। तो अभी आप देखो, मुझे और भी कई कॉल आया था उड़ीसा में, मैंने नाम नोट करके रखा, तो एक व्हाट्सएप में मैं ग्रुप बना दूंगा, आप लोगों को ज्वाइन करवाते जाओ, ठीक है सर? हाँ, एक्चुअली मेरे पास कोई ऐसे दोस्त नहीं है जो कि एक्टिंग में इंटरेस्टेड है, मतलब मेरे नजर में नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी हाँ तो साथी। सुनिए, ढूंढने से तो नहीं मिलेगा आपको, बस जैसा मैंने व्हाट्सएप में मैसेंजर में ये मैसेज डालता हूँ वैसे ही आप बस इसको शेयर करते जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, मैसेंजर भी, फेसबुक में भी होता है। इतना करोगे आप, उसमें लिखो कि हम क्या बोलते हैं भुवनेश्वर में हम शुरू करने जा रहे हैं, तो दो चार जन का कॉल आएगा, हाँ, बोथ ये हो, सही कहा आपने, मेरे बोथ जो होगा। दोस्त थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है इसमें, उन लोग को मैं शेयर कर देता हूँ तो कोई ना कोई इंटरेस्ट तो जरूर देगा। और उनको भी बोलो कि तुम लोग भी शेयर करो, ये कोई रिस्क नहीं है, 100 रुपया सिर्फ नाम का वास्ते गुरुजी ले रहे हैं। मैं 100 रुपया भी नहीं लेता, अब एकदम नहीं लूंगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, एक दिन आएंगे 2 दिन नहीं आएंगे, है ना। नहीं, आप तो आएंगे, अपना घर जो जाने आने का खर्चा तो लेंगे ही ना, और वो मेरा मेरा भी तो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस है ना, तो एक एक तो फॉर्मेलिटी के ठीक है। लिए, मैंने 100 रुपया रखा हूँ। तो आप ये शुरू करो, देखो, और इसके बाद जब मैं आऊंगा वहाँ, आपको आपको साथ में लेके थोड़ा बहुत पैम्पलेट उम्पलेट बांट देंगे, पोस्टर वोस्टर लगा देंगे, तो और दो चार जन आ जाएगा, तो आसानी से अपना ग्रुप शुरू होगा, है ना। टाइम है, आराम से करो आप, ठीक है सर? अच्छा ठीक है। और आप और एक बोलो। चीज पूछना चाहता था, ये जो जी एक्टिंग कोर्स आप कराओगे, जी मान लीजिए हम लोग को सीखने के लिए 1 साल 2 साल लगेगा, नहीं जब हम नहीं ये कोर्स नहीं, ये 3-4 महीने में ये हो जाएगा 3 4 महीने में हो, सपोज कोर्स आपका। कंप्लीशन के बाद जब आपको लगेगा कि हम लोग फिट हैं एक्टिंग के लिए, मतलब प्रोसीजर क्या है, मतलब आपका किसी बड़े बड़े स्टार, मतलब जैसे कि सलमान खान, आमिर, इन लोग के साथ कोई मतलब पहचान है, मतलब इन लोग के साथ हम लोग को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ताकि वो सुनिए लोग कुछ हेल्प सुनिए करें हमको। सुनिए सर, इन लोगों के साथ पहचान नहीं है, लेकिन इनके जो बाप लोग है ना, इनके जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर, वो हमारे साथ रोज मुलाकात होते हैं सेट पे शूटिंग में। लेकिन अच्छा, ये गलत फहमी है, अगर मैं धोखेबाज होऊंगा, फ्रॉड होऊंगा, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ सबके साथ पहचान है, आ जाओ हीरो बना दूंगा, गारंटी है, ऐसा वैसा जो अक्सर एक्टिंग क्लास वाले बोलते हैं एडमिशन से पहले, है ना सर। लेकिन अब देखो, अमिताभ बच्चन क्या मदद कर पाया अभिषेक को, कुछ मदद कर पाया, नहीं कर हाँ, पाया। का ताज्जुब लगता है, बाप होके उसका आगे नहीं बढ़ा हाँ, पाया। इसके अलावा बहुत सारे मिसाल है, एकता कपूर इतना बड़ा कंपनी चला रहा बालाजी फिल्म, उसके भाई को काम नहीं दे पा रहा तुषार कपूर को, तो इस तो मैं क्या आपको काम दूंगा। इसलिए कोई किसी को इंट्रोड्यूस कराने से एक्टर बन जाएगा, ये एकदम गलत फहमी है। हमें रेफरेंस खुद को सुनिए, बनना पड़ेगा हाँ दिखाने रेफरेंस को। सर, इंट्रोड्यूस कराने से या कोई रेफरेंस देने से या पहचान से क्या होता है, चाय मिलता, आइए जी किसने भेजा, गुरुजी ने भेजा, तो चाय पियो, है ना, तो भागो फिर। उसके बाद आपका अगर टैलेंट होगा तो अपने आप टिक जाओगे वहाँ, सिलेक्ट हो जाओगे। मार्केट में इतने सारे प्रोडक्ट बन रहा है, कितने सारे हिंदी चैनल है, आधा आधा घंटे में टीवी सीरियल आता है, हजारों फिल्में बन रहा है, लाखों लोग काम कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपको नहीं मिल रहा तो 1 मिनट होल्ड कीजिए, गो सर गो। कॉपी सर कॉपी आकर लेता हूँ, हाँ सॉरी बोलिए, तो कॉपी सर पानी लाता हूँ, हाँ बोलिए। क्या हम बात कर रहे थे, तो कहने का मतलब है पहचान से या भेजने से या इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाने से कुछ होता नहीं, आपके अंदर दम होना चाहिए और सबर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 10 जगह आप फेल होंगे, रिजेक्ट होंगे, तो रिजेक्ट होना हाँ, भी तो जरूरी है डायरेक्टर ना। लोग सिलेक्ट कर लोग ही डिसाइड करेंगे किसको लेना है, मतलब स्टार लोग कुछ हेल्प नहीं कर सकते, ये लोग का कोई महत्व नहीं है। पेपर में निकलता है सर, जैसे कि सलमान खान ने कटरीना को घुसाया था और किस किस को घुसाया था, वही घुसाया था, घुसाया था बात सही है, लेकिन वो क्या डांस करते हैं, क्या एक्टिंग करते हैं, कितना टैलेंट है, कितना सुंदर है, हाइट है, वो भी तो आप देखो, है ना। और कटरीना एक अमीर फैमिली से आता है, सबसे पहले बंबई शहर में आके एक रूम लेके रहने का तो आपका बजट हो, है ना, तो यही 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 प्रॉब्लम है।
है ना, कटरीना ऐसा तो नहीं है कि हर फिल्म में कटरीना ने सलमान का नाम से ही नाम कमाया, उसने अपना भी तो मेहनत है ना। अब देखो फरदीन खान भी स्टार का बेटा है, ऋतिक रोशन भी स्टार का बेटा है, लेकिन दोनों का करियर में फर्क है ना। अगर अगर सिर्फ पहचान से होता तो फिर वो क्या ये फिल्म का जो यश चोपड़ा का जो बेटा है ना उदय चोपड़ा है ना, तो उसको सारे वो नंबर वन हीरो बनता। इसलिए ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले एक दो महीने सीखो, प्रैक्टिस करो, फिर 10 जन मिलेंगे, बातें होंगी, तो आपको पता चलेगा कहाँ ऑडिशन हो रहा है, कहाँ सिलेक्शन हो रहा है ना। तो ये 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 सिस्टम है काम पाने का। आधे आधे से ज़्यादा न्यू कमर तो गलत फहमी रहते हैं कि मैं बस एक्टिंग सीख गया, कोर्स कर लिया, मैं हीरो बन जाऊँगा, मेरा सर मुझे एक्टर बना देगा। अरे बम्बई में रहने के लिए सबसे पहले एक रूम तो हो आपको, है ना, बम्बई कितनी महंगी सिटी है। तो ठीक है, आप कोशिश करो। इस नंबर में व्हाट्सअप है क्या? हाँ यही मेरा व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप नंबर मेरा लिख लीजिए, मैं दे देता हूँ आपको 933। लिखने के लिए तो सर कुछ है नहीं, मैं आप मेरे को मैसेज करो, मैसेज मैं मैसेज कर देता हूँ इसी में मेरा व्हाट्सअप नंबर। ओके अच्छा सुनो सर, आपका ये कॉल रिकॉर्ड हो सकती है और हो सकता है सोशल मीडिया में शेयर भी हो सकती है, क्योंकि आपके जैसा इतने सारे न्यू कमर है उनको एक मैसेज मिलेगा। ठीक है सर? ठीक है। ओके, आपको भी एतराज नहीं है ना? नहीं। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आप मुझे इस नंबर में व्हाट्सएप का नंबर मैसेज करो। ठीक है सर? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ नोट दोस्त निकाल के आपको जी मैसेज करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई दोस्त हो मुझे वो ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ हाँ, मेरे को जो उड़ीसा से जितना कॉल आता है मैं उसमें जोड़ दूंगा। और क्या बोलते हैं, जल्दी भगवान ने चाहता हम उड़ीसा में मिलेंगे, और हमारे बातचीत के दौरान अगर कुछ गलती हुआ तो मैं क्षमा चाहूंगा। ठीक है सर? नहीं, कोई बात। आपका नाम क्या बोले? जी मेरा नाम विभू पदारविंदर स्वामी। ओके थैंक यू सर, थैंक यू।